अगर आप भी खाने के साथ कुछ चटपटा खाना पसंद करते हैं, तब आप एक बार ये भरमा हरी मिर्च का अचार ज़रूर बनाकर देखें। इस अचार को आप एक बार बनाकर इजीली 1 साल से ज़्यादा समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो जब भी आपको सब्जी खाने का मन ना हो, तब आप इस अचार के साथ खाना एंजॉय करें। मिर्च का अचार बना रहे हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम हरी मिर्च ली हैं। याद रखें, आप जब भी हरी मिर्च का अचार बनाएं और इसे ज़्यादा समय के लिए स्टोर करना चाहते हैं, तब आप एक बार इस तरीके की एकदम डार्क ग्रीन कलर की पकी हुई हरी मिर्च लें। ये जो मिर्ची है, इसका अचार जो है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ख़राब नहीं होता है। अभी इन सभी हरी मिर्चियों में से हम डंठल को अलग निकाल देंगे। याद रखें, डंठल को निकालने से पहले आप मिर्चियों को धोकर साफ कपड़े से पोंछ लें। मिर्चियों में कभी भी धूल या मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये जो अचार है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ मैंने इन सभी मिर्चियों में से डंठल को अलग निकाल दिया है। अभी हम भरमा हरी मिर्च का अचार बना रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले इसमें हल्का सा चीरा लगाएंगे, इस तरीके से, जिससे इसमें मसाला जो है वो इजीली अंदर तक भर जाए। आप चाहें तो इसे 2 पीसेस या 4 पीसेस में कट करके भी बना सकते हैं। अगर आप वो रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ मैंने पूरी हरी मिर्ची को अच्छे से कट करके तैयार कर लिया है। अभी हम इन हरी मिर्चियों में डालेंगे लगभग 2 चम्मच जितना नमक। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच जितना ये नींबू का रस। नींबू का रस और नमक दोनों ही इन मिर्चियों के तीखेपन को कम करेंगे और साथ ही इस अचार को काफ़ी लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने में भी हेल्पफुल रहेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे मिर्चियों के साथ और अब हम इसे कम से कम 2 घंटे के लिए इसी तरीके से नींबू और नमक के साथ मिर्चियों को छोड़ देंगे। जब तक मिर्ची तैयार हो रही हैं, हम इसका मसाला बना लेते हैं। इसके लिए एक पैन में डालेंगे 4 चम्मच जितनी सौंफ, 2 चम्मच जितनी राई, 1 छोटा चम्मच जितना ये मेथी दाना। मेथी दाना अचार को काफ़ी लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो आप ज़रूर डालें। आधा छोटी चम्मच जितना जीरा, आधा छोटी चम्मच जितनी ये कलौंजी। कलौंजी से अचार का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सभी मसालों को एकदम धीमी धीमी आंच पर हल्का कलर चेंज होने तक भूनेंगे, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और मसाले बहुत ही जल्दी सील जाते हैं, तो अगर आप इसे भूनेंगे नहीं तो अचार का टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा और साथ ही अचार जो है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। मसाला अच्छे से भुन चुका है, सबसे लास्ट में इसमें डालेंगे 1 पिंच जितनी हींग और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस गरम मसाले के साथ ही हमारा जो हींग है वो भी अच्छे से भुन जाएगा। बस अभी हम इस मसाले को रूम टेम्परेचर पर कुछ टाइम के लिए अच्छे से ठंडा होने देंगे। अभी हम इस पूरे मसाले का एकदम दरदरा पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। तो आप चाहें तो इसे मिक्सी के जार में, अदरवाइज इस तरीके से हल्का दरदरा कूट कर तैयार कर लें। याद रखें, अगर आप मिक्सी के जार में पीस रहे हैं तभी इसे पल्स मोड पर पीसें, जिससे मसाला जो है वो ज़्यादा बारीक नहीं होगा। तो यहाँ मैंने इस पूरे मसाले को हल्का दरदरा कूट कर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं अभी भी इसमें हल्की सौंफ राई के दाने अलग दिख रहे हैं। तो बस इसी तरीके का हमें हल्का दरदरा कुटा हुआ ही चाहिए। अभी हम इस पूरे मिक्सचर को एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। इसी के साथ हम इसमें थोड़े से मसाले और ऐड करेंगे। तो मैंने लिया है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा अचार का। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच या अपने स्वाद अनुसार ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक, 1/4 चम्मच जितना ड्राई मैंगो पाउडर यानी कि आमचूर पाउडर। इससे मिर्ची का जो अचार है वो ज़्यादा तीखा नहीं लगता है। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे लगभग 2 चम्मच जितना ये कच्चा सरसों का तेल। अगर आपको सरसों के तेल की स्मेल पसंद नहीं है तो आप इसमें तेल को हल्का गर्म करके भी डाल सकती हैं। तेल हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना डालेंगे जिससे मसाला जो है वो इजीली मिर्चियों के अंदर भर जाए। अभी हमने जो मिर्चियाँ कट करके तैयार की थी वो भी अच्छे से तैयार हो गई हैं। अभी हमने जो मसाला तैयार किया था उसे इस मिर्ची के अंदर भरेंगे। हो सके जितना अच्छे से आप मसाले को अंदर तक भरें, जिससे मिर्ची का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आएगा।
तो यहाँ मैंने इस तरीके से इन पूरी हरी मिर्ची को अच्छे से भरकर तैयार कर लिया है। थोड़ा बहुत मसाला बच जाए तो आप उसे स्टोर करते समय जार के अंदर डाल दें। इस तरीके से बनाया गया हरी मिर्च का अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो प्लीज़ आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखें। तो यहाँ मैंने पूरी मिर्चियों को भरकर तैयार कर लिया है। अभी हम चलते हैं इस अचार को स्टोर करने की तरफ, किस तरीके से अचार को हम 1 साल तक स्टोर करेंगे। तो आप कोई भी कंटेनर लीजिए, हो सके तो छोटा छोटा साइज़ का कंटेनर लें। इस कंटेनर को अगर आप हो सके तो उस टाइम के लिए हल्की सी धूप दिखा दें। अभी इस कंटेनर में हम डालेंगे लगभग 1 चम्मच जितना सरसों का तेल, और तेल से कंटेनर को अच्छे से कोट कर लेंगे। कंटेनर को अच्छे से कोट करने के बाद अभी हमने जो हरी मिर्च को भरकर तैयार किया था उन सभी को इस कंटेनर के अंदर स्टोर करेंगे। ऐसा करने से जो हरी मिर्च का अचार है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ख़राब नहीं होता है, और साथ ही हमें इस अचार के अंदर बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत भी नहीं होती है। बहुत ही कम तेल के साथ हमारे बहुत ही टेस्टी अचार बनकर तैयार हो जाता है। तो जो भी थोड़ा बहुत मसाला नीचे रह जाएगा उसे भी हम कंटेनर में इस तरीके से ऊपर से डाल देंगे। इसी के साथ हमने जब मिर्चियों को नींबू और नमक के साथ रखा था वो भी थोड़ा सा रह गया है, उसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे लगभग 1 से 1.5 चम्मच इतना सरसों का तेल। याद रखें बहुत ज़्यादा तेल ना डालें, थोड़ा ही तेल डालेंगे जिससे मिर्चियाँ जो है वो ख़राब नहीं होंगी। जैसे जैसे मिर्चियाँ नीचे सेट होने लगेंगी इसमें तेल का लेवल जो है वो भी थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर आपको ज़रूरत लगे तो बाद में भी आप थोड़ा बहुत तेल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी हरी मिर्च का अचार बनकर तैयार है। जब भी आप अचार को निकालें हमेशा अपने हाथों को साफ करके निकालें, हो सके तो स्पून से निकालें जिससे अचार जो है वो आपका ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से बनाए गए अचार को आप इजीली 1 साल से ज़्यादा समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें।